नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। पाकिस्तान में सिखों के पवित्र स्थल ननकाना साहिब पर किस तरह से पत्थरबाजी हुई है, वही वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सिखों के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई है, उन्हें पाकिस्तान से भगाने की धमकी दी गई है और साथ ही ननकाना साहिब का नाम बदलकर गुलामे मुस्तफा करने की धमकी दी गई है। आपको बता दूं, भारत का विदेश मंत्रालय फौरन हरकत में आया, इस पर भारत सरकार द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई और साथ ही सिखों को सुरक्षा देने की मांग भी की गई। इस वक्त आप स्टेटमेंट देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, क्योंकि लगातार इस बड़ी खबर पर हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग चुप क्यों है, ये सवाल गिरिराज सिंह उठा रहे हैं और साथ ही हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें सिखों को धमकाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही और नाम बदलने की धमकी दी जा रही कि ननकाना साहिब का नाम बदलकर गुलामे मुस्तफा कर दिया जाएगा। किस तरह से नारेबाजी की जाती है, जरा सोचिए। जो सिख परिवार अंदर रहेंगे कितना ज्यादा डर गए होंगे, कितना ज्यादा सहम गए होंगे। और पाकिस्तान से हालांकि इस तरह की तस्वीरों का आना ये चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटीज को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब है, बहुत ही काला रिकॉर्ड है। वो माइनॉरिटीज जो कभी 23% हुआ करती थी, 23% हुआ करती थी 1947 में, अब वो सिर्फ 3% ही बची हैं, बताने के लिए काफी कि माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों का कितना बुरा हाल इस वक्त पाकिस्तान में है। और उन 3% में भी अगर हिंदुओं की बात करूं तो वो सिर्फ 1.5% ही बचे। आए दिन धर्मांतरण की खबरें आपको पाकिस्तान से मिलती हैं, अल्पसंख्यकों के धर्मांतरण की खबरें। ननकाना साहिब गुरुद्वारे में सिखों पर जुल्म के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर किया जाएगा। बीजेपी की सिख सेल प्रदर्शन करने वाली है पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर, ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर सिखों के जुल्म के खिलाफ ये प्रदर्शन रखा गया है बीजेपी की सिख सेल द्वारा। नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। ये दर्शाता है कि किस प्रकार पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। एक ग्रंथी साहब की बेटी को वहां से उठाकर ले जाते हैं, उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं। जब वो वापस लाई जाती है तो वहां पर भीड़ ले जाकर गुरुद्वारा ननकाना साहब पर पत्थर फेंके जाते हैं। पहले तो जगजीत कौर सिख लड़की को जबरदस्ती गुरुद्वारा से लेकर के जाया गया, उसके बाद आज श्री ननकाना साहब के ऊपर पथराव किया जा रहा है और बोला जा रहा है भी सिखों को ननकाना साहब में पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे। आज इमरान खान सरकार क्यों चुप बैठी है? जी हाँ, बड़ा सवाल यही है, इमरान खान सरकार चुप क्यों बैठी है और वो क्यों चुप बैठा है जो इमरान खान को यार, दिलदार, अमन, प्यार के एक प्रतीक के रूप में प्रोजेक्ट करा था। मैं नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रही हूँ। बड़ा सवाल यही है कि आज नवजोत सिंह सिद्धू खामोश क्यों है, आज वो अपने यार दिलदार से बात क्यों नहीं कर रहे इस बड़े हमले को लेकर। जिस तरह से पथराव किया गया, जिस तरह से नारेबाजी की गई, जिस तरह से नाम बदलने की धमकी दी गई, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कि विपक्ष का रवैया क्या रहा है, विपक्ष की भूमिका क्यों नकारात्मक रही है। जरा देखिए, सिखों पर अत्याचार की घटना होती है लेकिन विपक्ष चुप्पी साधे रहता है। सिखों को मुस्लिम इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, धर्मांतरण कर दिया जाता है, विपक्ष क्या करता है? विपक्ष चुप रहता है, चुप्पी साधे रहता है। आतंकवादी घटना होती है, विपक्ष क्या करता है? सरकार से सबूत मांगता है, सरकार की नाकामी बताता है और इमरान खान का बचाव करता है। इसलिए बार बार ये बात कही गई है कि ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विपक्ष एक भाषा बोलते अक्सर दिखाई देते हैं। एयर स्ट्राइक, जी आपको याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहा था विपक्ष, बताओ कितने आतंकियों को मारा है, डेड बॉडीज कितनी है, कहां है, कैसे ये ऑपरेशन कैरी आउट किया गया, सवाल खड़े किए गए थे। उससे पहले 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, तब भी विपक्ष द्वारा इसे लेकर सवाल खड़े किए गए थे। विपक्ष के कई लोग डिनायल में रहे थे और जेएनके में आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाती है तो भी विपक्ष क्या करता है? सवाल खड़े करता है। तो कुल मिलाकर चाहे धर्मांतरण का मामला हो, आतंकी हमला हो और तो और
ननकाना साहिब पर पथराव हो, नारेबाजी हो, नाम बदलने की धमकी हो, विपक्ष चुप्पी ही साधे रहता है। सीधे आपको लेकर चलती हूँ मेरे सहयोगी बज्म वर्मा के पास, अमृतसर से हमारे साथ है। बज्म, नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ है अब? करतारपुर कॉरिडोर का क्रेडिट वो ले रहे थे, इमरान खान को अपना सबसे बड़ा यार दिलदार बता रहे थे, आज कहाँ है नवजोत सिंह सिद्धू? बिल्कुल, यार दिलदार बताने वाले फिलहाल अब घर पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आपको बता दें, हमने कुछ समय पहले नवजोत सिंह सिद्धू के सेक्रेटरी और उनके खुद के पर्सनल नंबर पर फोन करके उनकी राय जानने की कोशिश की, पर उनके द्वारा फोन ही नहीं उठाया जा रहा। कल रात से हम ट्राई कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो है वो रिएक्शन दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर अत्याचार जो है वो माइनॉरिटीज पर हो रहा था, और अब जो धर्मस्थल है, ऐतिहासिक धर्मस्थल है, वहां पर पहुंचकर पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। और खास कहे जाते हैं दोस्त इमरान खान के नवजोत सिंह सिद्धू, तो हो सकता था कि नवजोत सिंह सिद्धू जरूर कहीं ना कहीं ट्वीट करते या किसी तरीके का रिवर्ट बैक जरूर करते, ताकि पाकिस्तान सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कुछ एक्शन जरूर ले। लेकिन सिद्धू द्वारा अभी तक चुप्पी साधी गई है, सिद्धू कहीं पर भी किसी भी मीडिया में बात जो है वो नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके का, चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए। अभी तक उनकी धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू दोनों जो है वो फिलहाल चुप्पी साधे बैठे हैं। और साथ ही बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर जो SGPC का भी जो है मेन हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी हमने डॉक्टर रूप सिंह से बात की, और भी कई सारे यहाँ पे श्रोमणी अकाली दल के जो लीडर हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, और जो कांग्रेस के, उनसे भी बात की है। तो वो यही कह रहे हैं कि एक ही जो है वो बात सामने आ रही है, जिस तरीके से पत्थरबाजी जो है वो धर्मस्थल पर की गई है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, ना सिर्फ माइनॉरिटीज की वहाँ की सेफ्टी को लेकर, यहाँ तक कि जो धर्मस्थल हैं उन पर ये जो है पत्थरबाजी की गई है। और साथ के साथ ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से ये रिवर्ट आ रहा है कि वहाँ पर जो है मुस्लिम भाईचारे में आपस में लड़ाई हुई थी, और किसी तरह की जो है आप रही है हमारे साथ, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल से मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ है। मनजिंदर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा सुना दूं नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा था, और उसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे भी सवाल है। पाकिस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ए सारा जहान जीवे, धरती पौन पानी बूटे जीव प्राणी, सूरज चंद तारे ते सारा आसमान जीवे, जीवे रहम, जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर, जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर, ते आन बान शान दे नाल हर इंसान जीवे। क्या प्यार अमन ते खुशहाली दा रूप बन के, प्यार अमन ते खुशहाली दा रूप बन के, ओ मेरा यार दिलदार इमरान खान। जिंदर सिंह सिसा जी, ये यार दिलदार इमरान खान के होते हुए ननकाना साहिब पर पथराव, नारेबाजी, नाम बदलने की धमकी, ये हो क्या रहा है सर? और वो लोग कहाँ चुप हैं जो इमरान खान को अमन शांति का मसीहा बता रहे थे? बड़ी हाईटेक है, बहुत हाईटेक, फोन का पूरा काम लेते हैं आपको। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आवाज आ रही है आपको सर मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, जी जी आ रही है। जी मेरा सवाल यही था, वो लोग कहाँ छिपे बैठे हैं जो अमन शांति का मसीहा बता रहे थे? इमरान खान को कल जिस तरह से पथराव हुआ है, जिस तरह से नाम बदलने की, ननकाना साहिब का नाम बदलने की धमकी दी है। देखिए ऐसा है, मुझे बड़ा अफसोस है कि आज इमरान खान जी के दोस्त जो अपने आप को बताते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनके लिए एक अच्छा मौका था, वो अपने सिखों के साथ खड़े होते, वो अपने देश के साथ खड़े होते, और जो उनकी अपनी दोस्ती है उसका इस्तेमाल करके उनको कहते कि इमरान भाई, जो सिखों के साथ पे हमला हुआ है, जो हमारे पवित्र स्थान ननकाना साहब पे हमला हुआ है, ये दुनिया में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आपकी इसके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन आज वो जो बाहर नहीं निकले, इसका देखिए हर सिख को बहुत अफसोस है और दुख है। मैं तो यही कह सकता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू जी आपसे यही अपील कर सकते हैं कि आज उन सिखों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे में भी सिखों का खून है, तुम भी सिख हो और एक देशवासी भी हो, आज भारत का हर नागरिक जो है उन सिखों के लिए खड़ा हुआ है, और ऐसे में अगर आप आज खड़े नहीं होंगे तो कभी आपको दुनिया माफ नहीं करेगी, कभी ये मुल्क के लोग और विशेष तौर पर पाकिस्तान के सिख भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, ननकाना साहिब में जो सिख है उनसे आपकी बात हो रही है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, इस वक्त क्या हालात है?
देखिए वहां पे इस वक्त तो पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है सारे एरिया को, लेकिन ये जो दुखदायी खबर है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाना था कल, वो कैंसिल कर दिया गया। वहां पे ये कह दिया गया कि वो नहीं वहां मनाया जाएगा, वहां के हालात क्योंकि सामान्य नहीं है और गुरुद्वारे के आसपास उन्होंने। सर ये तो आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि प्रकाश पर्व से जुड़ा हुआ जो उत्सव मनाया जाना था वो मनाने ही नहीं दिया गया पाकिस्तान में। ननकाना साहिब में जो सिख थे उन्हें प्रकाश पर्व से जुड़ा हुआ उत्सव ही नहीं मनाने दिया गया, ये तो बहुत बड़ी खबर है सर। हाँ वही ना, मैंने ये जो जानकारी मिली कि वो नहीं मना रहे, उन्होंने मना कर दिया कि कल वहां पे वो प्रकाश पर्व नहीं मनाया जाएगा। ये हमारे लिए एक बहुत दुख की खबर है, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व ना मनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दुख की खबर है। दूसरी बात यह है कि वो परिवार बड़े सहमे हुए हैं और खासतौर पर मनमोहन सिंह जी का परिवार, जिनकी बहन को अगवा कर लिया गया था, वो गुरुद्वारे में ही शरण लिए हुए हैं और ये वहां पे वो बेटी को लेकर ही उनका उन्होंने कल जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की वो एक सबके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सर तो ये तो सिखों के लिए मतलब इससे दुख की बात, ना सिर्फ सिखों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिहाज से भी, जो सिखों की बात वहां पर उठाता रहा है ननकाना साहिब करतारपुर कॉरिडोर को लेकर, हमने हर बार एक पॉजिटिव कोशिश की है, तो हम सबके लिए सेटबैक है। जी है सेटबैक, क्योंकि देखिए हमें समझने की जरूरत है, करतारपुर साहिब तो ठीक है उन्होंने बनाया जो ये सोचकर इमरान खान जी ने अच्छा काम किया, लेकिन वहां पे एक इस्लामिक कंट्री है और वहां पे शरीयत का कानून लागू होता है और वहां के जो हार्डलाइनर्स हैं वो किसी भी सूरत में सिखों को या अकलियतों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये एक सच्चाई है, 400 से ज्यादा गुरुद्वारे हैं वहां पे जो या तो गिरा दिए गए या तो उनकी जमीनों पे कब्जे कर लिए गए और हम लोगों को इजाजत भी नहीं है उन गुरुद्वारों पे जाने की, उस जगह पे जाने की। तो ये एक जो है मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए ये चिंता का विषय है कि 1.5 लाख परिवार 1947 में थे, 2002 के जो जनगणना हुई उसमें 40,000 रह गए थे और इस बार उन्होंने हमारा नाम ही डाला क्योंकि वहां कुल 4-5,000 सिख रह गए हैं। ये सब विषय जो है देश को अब उठाने चाहिए, भारत को उठाने चाहिए और जो कानून बनाया गया है सिटीजन अमेंडमेंट बिल उसके अंदर इन सिखों को भी अलाउ करना चाहिए कि जो कोई और भी आ रहा है उनको भी इजाजत दी जानी चाहिए। शुक्रिया मंजिंदर जी। तो 1947 में 1.5 लाख परिवारों से, सिख परिवारों से 4,000 सिख परिवार बचे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू इन परिवारों के लिए आवाज कब उठाएंगे, अपने दोस्त को फोन कब लगाएंगे, अपने यार दिलदार को फोन कब लगाएंगे, अपने अमन और शांति के मसीहा से कब बात करेंगे? और इमरान खान से भी ये बड़ा सवाल है, क्या यही है इमरान खान का नया पाकिस्तान जिसका वादा वो अपनी आवाम से करके आए थे, जिसका वादा वो माइनॉरिटीज से अपने देश में जो अल्पसंख्यक है उनके देश में उनसे करके आए थे, माइनॉरिटीज को वो इस तरह से ट्रीट करने का दावा करते थे कि भारत के प्रधानमंत्री को सिखा सकें कि अल्पसंख्यकों से कैसे पेश आना है। लेकिन देखिए जरा इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है जिसमें गुरुद्वारे पर हमले हो जाते हैं, जहां पर लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है, जहां पर सिखों पर लगातार हमले होते हैं, धर्मांतरण कराया जाता है, जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है, अल्पसंख्यकों की संख्या घटती रहती है और टेरर फैक्ट्री खुलेआम चलाई जाती है। बस यही है इमरान खान का नया पाकिस्तान। अभी आप मनजिंदर सिंह सिरसा जी को सुन रहे थे। इमीडिएटली तालमेल कर पता नहीं मैंने तो हम की मैं कह सकता जी की केस है की नहीं है, एवं तो मैं कह नहीं सकता। लॉ विल टेक इट्स ऑन। तो कुल मिलाकर भारत सरकार द्वारा आवाज उठाई गई है, आपत्ति दर्ज कराई गई है, प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है, साफ कहा गया है कि सिखों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश पाकिस्तान सरकार द्वारा की जाए और साथ ही ननकाना साहिब का नाम बदल दिया जाए। इतनी हिम्मत अभी भले ही मेजॉरिटी में हो लेकिन बावजूद इसके आपने साफ सुना कार सिंह बादल को कहते हुए ननकाना साहिब का नाम बदलना नामुमकिन। लेकिन अब जो चेहरे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले हम आपको वो वीडियो दिखा रहे थे जिस वीडियो में ननकाना साहिब का नाम बदलने की बात की जा रही है, लोगों को उकसाया जा रहा है, उससे पहले पथराव किया जाता है, परिवार सिख परिवार वहां पर डरे सहमे हुए। लेकिन जो चेहरे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं
ये सभी चेहरे ननकाना साहिब से जुड़ा हुआ, जब से ये वीडियो आया है, ये नाम बदलने की धमकी आई है, इन सबके मुंह पर चुप्पी क्यों है, इनके मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है? असहिष्णुता गैंग कहां, असहिष्णुता गैंग कहां है? उन सिखों को क्या जवाब देगा जिन्हें कल प्रकाश पर्व का उत्सव वहां पर मनाना था, लेकिन असहिष्णुता इस लेवल की रही कि उस उत्सव को ही कैंसिल कर दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही है, जरा सुनिए आप। पथराव हुआ है, उसके बारे में क्या कंडेम करेंगे आप? देखिए, जहां जहां गलत होता है वहां कंडेमनेशन पूरा है, गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में गुरुद्वारे पर पथराव हुआ है, उसके बारे में क्या कंडेम करेंगे आप? देखिए, जहां जहां गलत होता है वहां कंडेमनेशन पूरा है, गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए। जहां जहां गलत होता है वहां कंडमनेशन होना चाहिए, क्या यही रिस्पांस होना चाहिए? ननकाना साहिब का नाम बदलने की धमकी दी जाए, क्या यही रिस्पांस होना चाहिए? सिखों पर पत्थरबाजी की जाए, उनका घेराव किया जाए, नारेबाजी की जाए, क्या यही रिस्पांस होना चाहिए? क्योंकि कुल मिलाकर अपनी इन दो लाइनों में प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ भी कहने से साफ साफ बच रही हैं। वो कुछ भी कह नहीं रही हैं, सिर्फ ये कहकर अपना पीछा छुड़ा रही हैं कि अगर कुछ भी गलत होता है तो उसका कंडमनेशन होना चाहिए। सवाल साफ तौर पर ननकाना साहिब से जुड़ा हुआ, जो वीडियो आप लगातार देख रहे हैं जिसमें ननकाना साहिब का नाम बदलने की धमकी दी जा रही है, जिसमें सिख परिवार डरे सहमे अंदर किसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें पथराव की बात